काशी की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज सत्रवां दिन, अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं 41 मजदूर। सुरंग में फंसे ऑगर मशीन के पार्ट को निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू, सुरंग के अंदर 1.6 मीटर पाइप किया गया पुश। पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी, वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अब तक करीब 36 मीटर पाइप किया गया पुश। रेस्क्यू ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक की मदद, टनल के भीतर रोबोट और एआई की ली गई मदद, मैपिंग और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पर हो रहा काम। उत्तरकाशी की सुरंग में यूपी के 8 मजदूर फंसे, यूपी सरकार के समन्वयक अरुण कुमार मिश्रा का बयान, मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए की जा रही है पूरी कोशिश। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजदूरों के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ख्याल, मजदूरों के परिवार से करवाई गई है फोन पर बातचीत। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना का दौर जारी, सुरंग के आसपास किया गया हवन यज्ञ, स्थानीय लोगों ने हवन में आहुति डालकर की प्रार्थना। सुरंग में ओडिशा के भी कई मजदूर फंसे, मजदूरों का हालचाल जानने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे ओडिशा के श्रम मंत्री, सुरंग में जाकर की मजदूरों से बातचीत। सुरंग के बाहर बनी अनोखी आकृति, आकृति में नजर आ रहे भगवान शंकर, लोग मान रहे हैं चमत्कार। बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे बनी आकृति, पानी की धार ने लिया शिव जी की आकृति का रूप, लोग बोले आप मिला भगवान का आशीर्वाद, जल्द बाहर आएंगे। सुरंग पर पहुंचे पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की, राहत बचाव काम का भी जायजा। बौखनाग की शरण में पहुंचे कार्यदायी कंपनी के लोग, मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए लिया आशीर्वाद, पुजारी ने कहा सभी मजदूरों की 3 दिन के भीतर बाहर आने की बात। स्थानीय लोगों का दावा, जब तक बौखनाग को नहीं किया जाता शांत, कामयाब नहीं होगा रेस्क्यू ऑपरेशन, घबराए कंपनी के लोग, भाटिया गांव पहुंचे। सुरंग ढहने के पीछे लोगों ने कही बौखनाग के नाराज होने की बात, लोगों ने सुरंग के दोनों ओर कही थी बाबा बौखनाग का मंदिर बनाने की बात। हैदराबाद में कोटी दीपोत्सवम कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की, पीएम मोदी बोले सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तेलंगाना के करीमनगर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस आतंकी संगठन पीएफआई को देती है बढ़ावा, हमेशा से करती आई है देश की सुरक्षा से खिलवाड़। जेपी नड्डा ने केसीआर सरकार पर लगाया आरोप, कहा एक वर्ग विशेष को देती है 4% आरक्षण, हिंदुओं के साथ करती है अन्याय। तेलंगाना में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जारी, आज प्रचार के अंतिम दिन हैदराबाद में राहुल और प्रियंका का रोड शो। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराने पर कहा कि किसी भी सरकारी जगह पर ऐसा करना सामाजिक हिंसा। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से हुई तेज, आज सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है, मंत्री अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर का छांटने के दौरान हुआ हंगामा, कांग्रेस ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, अधिकारी बोले चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा था काम। लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, केजरीवाल सरकार की मांग बिना सहमति के केंद्र ना तो दे सीएस को सीए व्यवस्था। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के फंड का मामला, दिल्ली सरकार की तरफ से फंड ना देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज करेगा। वाराणसी के जिला न्यायालय में पेश की जा सकती है एसआई सर्वे रिपोर्ट, ज्ञान वापी का सर्वे कर रहा है एसआई, जिला जज ने आज तक का दिया था समय। दिल्ली आबकारी नीति का मामला, संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, 4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। प्रयागराज में लारेब के परिवार के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाल रही है पुलिस, ट्रैवलिंग हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स की भी जांच, परिवार की भूमिका संदिग्ध। लारे भाषमी के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी, पोल्ट्री फार्म पर भी चल सकता है बुलडोजर, रिहायशी जमीन पर बगैर इजाजत के बनाया गया है पोल्ट्री फार्म। मुजफ्फरनगर में 35 धार्मिक स्थलों से हटाया गया है साउंड सिस्टम, ध्वनि प्रदूषण को लेकर की गई है कार्रवाई, 125 धार्मिक स्थलों पर मानकों के विपरीत लगे हैं साउंड सिस्टम। मध्य प्रदेश के शहडोल में पटवारी की हत्या पर परिजनों की प्रतिक्रिया, सरकारी मदद लेने से इनकार किया, खनन माफिया पर पटवारी की हत्या का आरोप। दिल्ली के शाहदरा में बोरे में मिली लड़की की लाश की गुत्थी सुलझी, मंगेतर ने की थी युवती की हत्या, शक के चलते कर दिया लड़की का कत्ल। मध्य प्रदेश के सागर में दो पक्षों में विवाद, शमशान घाट में शौच करने को लेकर हंगामा, हालत बिगड़ने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन हुई फरार, घर की दीवार फांदकर नई नवेली दुल्हन हुई रफू चक्कर, लाखों के गहने भी ले गई साथ। हैदराबाद में पैसा बांटते पकड़ा गया कॉलेज का स्टाफ, नगरपालिका क्षेत्र में लोगों को बांट रहे थे पैसा, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा। गुजरात के वडोदरा में कांस्टेबल रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ, ड्यूटी के दौरान महिला से रेप का आरोप, महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर।
नोएडा पुलिस के नशे के सौदागरों पर कार्रवाई, चार छात्रों समेत नौ आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए कीमत के नशीले पदार्थ बरामद। त्रिपुरा के अगरतला में तस्करी का बड़ा मामला, एयरपोर्ट पर 20 किलो गांजा हुआ बरामद, दो लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी में खाद के लिए मारामारी जारी, झांसी में पांचवें दिन में दिखी किसानों की भीड़, खाद नहीं मिलने से मायूस किसानों ने किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कई संगठनों का प्रदर्शन, कुछ कंपनियां 12 घंटे कर्मचारियों को काम करने पर कर रही है मजबूर। कोची यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ की जांच, 3 सदस्यीय कमेटी की जांच का जिम्मा दिया गया, फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ में कई छात्रों की गई थी जान। प्रयागराज में यूपी रोडवेज की एसटी बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान, लखनऊ जा रही शताब्दी बस में बैली हॉस्पिटल के बाहर लगी आग। तमिलनाडु में आग का तांडव, मदुरई में एक दुकान में लगी आग, ज्वेलरी शॉप में लगी आग से बड़े नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर में दिखा आग का तांडव, बारामूला में एजुकेशन ट्रस्ट की बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला, लखनऊ में प्रदर्शनकारी से मिले चंद्रशेखर आजाद रावण, कहा ऊपर बैठे अधिकारियों के चलते नहीं हो रही है। चीन में बच्चों में तेजी से फैलती निमोनिया जैसी रेसमी बीमारी, एम्स के डॉक्टर एसके काबरा ने कहा फिलहाल कोई खतरा नहीं। चीन में बच्चों में फैलती रेसमी बीमारी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि अब तक की जानकारी में कोई नया बैक्टीरिया या वायरस सामने नहीं आया है। उत्तर कश्मीर की गुरेज घाटी में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, जम्मू कश्मीर बिजली विभाग ने ग्रिड से जोड़ा, घाटी में हो सकेगी लगातार बिजली की सप्लाई। अयोध्या में बना राम मंदिर के लिए जोधपुर से भेजा गया है 600 किलो की बैलों के 5 रथ से रवाना किया गया। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर मक्का की लूट का वीडियो, ट्रक से मक्का की बोरी सड़क पर गिरने से मची लूट। शिमला में किया गया क्राफ्ट फेस्ट का आयोजन, प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी, स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। देव दीपावली के मौके पर जगमग दिखे काशी के घाट, मंदिरों पर भी की गई थी फूलों से सजावट, देव दीपावली देखने के लिए कई राज्यों से पहुंचे थे श्रद्धालु। देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों पर जलाए गए 21,000 दिए, दीयों की रोशनी से जगमग हुई काशी, पर से दिखा दिवाली जैसा नजारा। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा आरती, पुजारियों ने की मां गंगा की आराधना, देव दीपावली पर की गई है विशेष आरती। देव दीपावली पर काशी पहुंचे सीएम योगी, योगी बोले पीएम मोदी की वजह से काशी में भव्य रूप से मनाया जा रहा है देव दीपावली पर। सीएम योगी के साथ 70 देशों के राजदूतों ने भी देखी काशी की भव्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति से रूबरू हुए विदेशी प्रधान। देव दीपावली पर काशी के गंगा घाट हुए जगमग, लोगों ने देवताओं की आराधना के लिए जलाए दिए, गंगा में दिए प्रवाहित करते हुए आराधना। देव दीपावली के मौके पर काशी में दिखा सुंदर आतिशबाजी का नजारा, काशी की अलौकिक छटा देखकर अभिभूत हुए लोग। देव दीपावली के मौके पर द्वारका में भी चलाए गए दिए, दियों की रोशनी से जगमग हुई भगवान कृष्ण की नगरी। गुरु नानक जयंती पर गोल्डन टेंपल में भव्य सजावट, बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे लोग, रात के समय हुई आतिशबाजी को देखने के लिए जुटी लोगों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा तीसरा टी20 मैच, गुवाहाटी में खेला जाएगा मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। यूक्रेन में हो रहे